आज मैं कोदो मिलेट यानी इसे कोदरा भी कहते हैं, श्री धान्य के पांच अनाज में से एक है। इसका मैं चावल बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये पैकेट में है, ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। श्री धान्य अनाज सभी को हमें 6-7 घंटा कम से कम भिंगो के रखना चाहिए। मैं इसे रात में भिंगो देती हूँ और सुबह बनाती हूँ, और जिस एक दो पानी से बहुत हल्के हाथ से ऐसे चलाते हुए पानी से धोते हैं, न कि ऐसे ऐसे मसल के नहीं धोते हैं। दो पानी से धो लिया फिर बहुत पानी की जरूरत नहीं है, बस लेवल में पानी रहे और इसको भिंगो देते हैं। और सुबह इसी पानी में इसको पकाते हैं, उस पानी को फेंकते नहीं है। यह देखिए, मैं उसका पानी इसमें डाली हूँ पैन में, और इसमें और पानी ऐड की हूँ। कोदो मिलेट में रेशा बहुत होता है, इसलिए इसमें पानी ज्यादा सोखता है। मैं 1 कप मिलेट ली हूँ, इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। पानी उबल रहा है, इसमें हम मिलेट को डाल देंगे और नीचे चला देते हैं, जिससे कि वो नीचे नहीं बैठे। और बहुत तेज आंच पे नहीं, शुरू में खौलता है, फिर इसको धीमा कर देते हैं। इसका पानी करीब करीब सूख गया है, इसको चेक कर लेते हैं। अभी लग रहा है कि थोड़ा इसमें 1-2 चम्मच पानी और डाल के करना पड़ेगा। यह मिलेट अच्छे से गल गया है, बस इसको ढक दिए हैं जिससे कि यह फरहरा सा थोड़ा हो जाए। कोडो मिलेट की थाली तैयार है। आज मैंने इसका राइस बनाया है। इसके साथ सोया की लटपटी सब्जी, सलाद और आंवला का पनेला अचार है। सब्जी और आंवला के पनेले अचार का लिंक मैं इसके साथ डाल दूंगी। आप इसे देखें और अपना अनुभव मुझसे शेयर करें। इसे अपने सभी फ्रेंड्स में इसका वीडियो शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मेरे सभी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।